के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 3 अगस्त को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई यांत्रिक एवं जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह। 4 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उसी दिन शाम को लखनऊ होंगे रवाना। मंडलायुक्त ने किया राजकीय उद्यान का निरीक्षण। पार्क की व्यवस्था से दिखे असंतुष्ट, संबंधित कर्मचारियों को लगाई फटकार। कहा राजकीय उद्यान में बनेगा ट्रैफिक पार्क। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत गठित जनपद स्तरीय जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक। बालिका सुरक्षा तथा बाल संरक्षण के लिए ग्राम स्तर पर समिति गठित करके कार्यवाही किए जाने के दिए निर्देश। एडीएम एफआर की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवी आपदा प्रबंध जांच समिति के गोरखपुर के अध्ययन भ्रमण एवं बैठक कार्यक्रम के तैयारियों की गई समीक्षा। तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश। मुंजेश्वर नाथ का शिव मंदिर अपनी प्राचीनता तथा पवित्रता के लिए शताब्दियों से है प्रसिद्ध, जन जन के आस्था और विश्वास का है केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 6,24,00,000 रुपए की योजनाओं का किया है शिलान्यास। गोरखपुर ऑब्स एवं गायनिक सोसाइटी फागसी के तत्वावधान में सेविंग मदर्स पर आधारित 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आगाज। देश विदेश के चिकित्सकों ने किया प्रतिभाग। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के सदस्यों ने डीएम और एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन। टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं के खुलासे के लिए आवाज उठाने पर व्यापारी नेता पर पुलिस उत्पीड़न का लगाया आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रेमचंद का महत्व विषय पर व्याख्यान किया गया आयोजित। वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर डाला प्रकाश। और गंगोत्री देवी महाविद्यालय में किया गया पौधरोपण। अध्यापकों द्वारा छात्राओं को कम से कम 5 पौधे लगाने के लिए दिलाया गया संकल्प।